हाइफा में हमला हुआ है, लेबनान की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया, एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। तो हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल पर अटैक किया है और इस बार हाइफा में लेबनान की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि इस रॉकेट से एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। तो बड़ी खबर है इस संघर्ष से जुड़ी हुई, वार पलटवार दोनों ही तरफ से हो रहे हैं और हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल पर अटैक किया है। 24 घंटे में लेबनान में 36 की मौत हो चुकी है, 150 से ज्यादा घायल हुए। ग्राउंड पर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रॉकेट अटैक एक बार फिर से हिजबुल्ला की तरफ से लगातार, इसराइल हिजबुल्ला के खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके कई कमांडर्स, उसके चीफ को मार गिराया गया और उसके बाद यह सिलसिला रुक नहीं रहा है और जंग के हालात हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।